as far as the Maharashtra elections are concerned. Now, Maharashtra's Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis met RSS leader Mohan Bhagwat last night. This was their first meeting after the elections. Now, both leaders were in Nagpur yesterday and discussed the election results after voting. I'm now joined by my colleague Vivek Gupta. Vivek, ye meeting mein aapke sutra aapko kya bata rahe hain, kya discuss hua Devendra Fadnavis aur Mohan Bhagwat ke beech mein, kyunki ye election ke baad hi pehli meeting hai, to isme kya baat cheet hui hogi dono ke beech? ये बहुत बीजेपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच आपको बताना चाहेंगे, कल वोटिंग थी और दोनों नेताओं की वोटिंग जो राइट्स है वो नागपुर में है। वोटिंग राइट्स करने के बाद नागपुर में लेट नाइट इन दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है और डिस्कस हुआ है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी या महायुति दोनों में से किसकी सरकार आती है तो आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और बाकी जो नेता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ है पूरे महाराष्ट्र में 64-65%, तो महायुति काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार इस बार दोबारा बन रही है। सरकार में क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग रहेंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है इसको लेकर ये मीटिंग हुई है। लेकिन साफ तौर पर सब लोग अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सैटरडे यानी कि 23 नवंबर को पूरा रिजल्ट आने वाला है। अगर कुछ अप एंड डाउन नंबर्स में होते हैं उस टॉपिक में भी ये मीटिंग काफी क्रूशियल बताई जा रही है। मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। और विवेक, जब हम बात करें कि जो मीटिंग हुई है, क्या उसमें ये भी डिस्कशन हुआ है, जब क्या क्रेडिट दिया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स काफी बता रहे हैं जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज है महाराष्ट्र में वो इस बार 65 क्रॉस कर चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो क्रेडिट दे रही है आरएसएस को कि उन्होंने काफी ग्राउंड वर्क किया, उन्होंने वो लोगों को लेके आए वोटिंग के लिए। एग्जैक्टली देखिए, जो चीज हरियाणा इलेक्शन में देखी गई थी कि आरएसएस ने ग्राउंड पर बहुत ज्यादा काम किया था, मैन टू मैन मार्किंग की गई थी हरियाणा में, वही मॉडल्स महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल की गई। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा रिजल्ट को लेकर महायुति का जो रिजल्ट था वो सेटिस्फाई नहीं था। बीजेपी जो डबल डिजिट में थी 2019 में वो सीधे सिंगल डिजिट में पहुंच गई थी। कांग्रेस जो सिंगल डिजिट में थी वो सीधे डबल डिजिट में पहुंच गई थी। तो लोकसभा के रिजल्ट के देखने के बाद आरएसएस को काफी ज्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र में मेहनत करनी पड़ी है। ग्राउंड लेवल पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो लोग हैं, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तो इसको लेकर भी मीटिंग हुई है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम किया गया उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। महायुति के नेता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आरएसएस के नेता भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो सरकार है महायुति की आ रही है। अब सबकी नजर 23 नवंबर को है जब रिजल्ट आएगा। जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि कुछ अगर अप एंड डाउन होते हैं नंबर्स को लेकर, 5, 10 या 15 नंबर्स को लेकर अप एंड डाउन होते हैं उसको लेकर भी ये डिस्कशन हुआ है। लेकिन बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोगों के साफ तौर पर कहना है कि एक रूटीन मीटिंग थी, जिस कारण के दोनों नेता का नागपुर में थे तो उनके साथ तो पे कहना है कि रूटीन मीटिंग थी। लेकिन जानकारी मिल रही है जो सूत्रों से कि वो रूटीन मीटिंग नहीं थी, उसमें चुनाव के जो रिजल्ट है, जो एग्जिट पोल सामने आया उसको लेकर ये महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। आगे का लाइन ऑफ एक्शन, आगे का क्या एक्शन होगा उसको लेकर ये मीटिंग की गई है। All right. Thank you, Vivek, for getting us all those details as far as the meeting between Mohan Bhagwat and Devendra Fadnavis is concerned.